अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान विद फरहान अली। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और कैसे जा रहे हैं आपके दिन, कैसी जा रही हैं आपकी छुट्टियां? कोरोना वायरस ने जो है ना एक खौफ और हिरास का माहौल क्रिएट किया हुआ है, लोगों को घरों में कैद किया हुआ है। क्या मतलब, किसी ने बहुत अच्छी पोस्ट लगाई, मैं फिर देख रहा था फेसबुक पे और व्हाट्सएप वगैरह पे जो पोस्ट वगैरह आ रही है कि परिंदे जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और इंसान जो हैं वो पिंजरों में कैद हो गए हैं। मतलब क्या कुदरत है, क्या खुदाई है उस ऊपर वाले की। मतलब इंसान की समझ से बिल्कुल बालतर है। वो जो कल कहते थे कि वी आर द सुपर पावर, आज उन सबको बता दिया गया है कि उन सबसे ऊपर एक सुपर पावर बैठा हुआ है जिसने अपनी एक छोटी सी वबा इस दुनिया में फैलाई है और सारे दुनिया के सुपर पावर को जो है ना वो मिट्टी में मिला दिया है। आज जितने बड़े सुपर पावर हैं वो उतने ज्यादा परेशान हैं। आप अगर देखें तो बींग अ मुस्लिम हम पे कितना करम है उस परवरदिगार का कि 26 फेब को पहला केस आया था पाकिस्तान में कोरोना का, और पहला ही केस आया था यूएसए में कोरोना का। आज यूएसए की काउंट देखें आप के कोरोना के पेशेंट, कोरोना के जो मरीज हैं वो कितनी क्वांटिटी में हैं, लाख प्लस, 1,10,000, 1,15,000 समथिंग ऐसी कुछ है। एक्चुअल फिगर मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन कल रात की या परसों रात की बात अगर हम करें तो 1,08,000 पेशेंट थे और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अभी भी 1,000, 1,100, 1,200 दरमियान में बैठे हुए हैं। आप देखें कि सेम डेज में उनके पेशेंट कितने थे और सेम डेज में हमारे पेशेंट कितने बढ़े, यानी कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा फजलो करम है हम मुसलमानों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने कितना करम रखा हुआ है कि हमारा काम जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। लेकिन हमारी बद एहतियाती जिस तरह से है आवाम की, तो अफसोस है हमें ना। अगर अल्लाह ताला का करम नहीं होता तो ये अमेरिका से आगे होते अभी हम, जिस हिसाब से हमारी आवाम ने जो है ना कोरोना को मजाक बनाया हुआ है, खेल समझा हुआ है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सड़कों पे ऐसे निकले हुए हैं। बस ये तो थोड़ा सा डंडा है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से आवाम जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है। क्वांटिटी 25%, 30% बाहर निकली हुई है, लेकिन यार अफसोस है ना कि वो 30% लोग भी क्यों निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हो भाई, जब एहतियाती तदाबीर बताई हुई है अपने आप को आइसोलेट कर लो, क्वारंटाइन हो जाओ। लेकिन नहीं ना भाई, हमें तो सुननी ही नहीं है ना, हम तो लातों के भूत हैं ना, हम बातों से कैसे समझें, हमें थोड़ी समझना है बातों से। हमें तो बातें समझ में आती ही नहीं है ना, जब तक दो छित्तर नहीं पड़ने हमें समझ में आनी नहीं है ना, हमें घर में बैठना ही नहीं है। हमें तो मतलब ये, हमें लगे हम दूसरों को लगाएं कि तेरा भाई मुझे जो है ना कोरोना हो गया है, आजा तुझे भी लगाऊं, ये वाला सीन है। तो हम लोग जो है, सही बात है कि वो डंडे वाली कौम है। तो भाई अल्लाह का बड़ा ज़्यादा करम है हम पे, हम मुसलमानों पे, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है दुनिया में अभी काफ़ी कंट्रोल में हैं। और हमारी डॉक्टर टीम को सल्यूट है यार, सल्यूट है हमारी डॉक्टर टीम को, सल्यूट है हमारी फोर्सेस को, जो हमारी खिदमत के लिए जो है ना वो दिन रात एक किए हुए हैं और हमें जो है वो इस वायरस से निजात दिलाना चाह रहे हैं। अपनी उन्होंने जान लगा दी है, अपनी क्या बोलेंगे कि फैमिलियों से दूर बैठे हुए हैं और हमारी खिदमत के लिए जो है ना दिन रात एक किया हुआ है। तो सलाम है, सलाम है आप सबको, सलाम है तमाम फोर्सेस को, सलाम है डॉक्टर्स को। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में।